ओके सो हे गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे प्रोसेस करती है। कल वाली वीडियो में हमने सीखा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं, कैसे माइंस होती है, कैसे लेजर ट्रांजेक्शन सिस्टम बनाए जाते हैं और आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं। ये सब चीज़ें हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बारे में पढ़ी थी, लेकिन आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे प्रोसेस होती है, कैसे वो बंदा एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट करेगा और कैसे वो ट्रांजेक्शन होगा। तो इस डायग्राम या जो भी मैंने जो बनाया है इसके बारे में हम अच्छे से इसको समझते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पर्सन ए। सपोज आप एक पर्सन ए हो, आपका कोई भी नाम है, ये पर्सन का नाम है राम। ओके, मैंने इसको पर्सन ए नाम दिया है। ये बंदा क्या चाहता है, एक ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट करता है। मतलब ये बंदा सपोज मेरे को कोई 100 रुपीज़ मेरे को सेंड करने चाह रहा है, तो क्या करता है, ये रिक्वेस्ट करता है कि मैं मुझे उस बंदे को 100 रुपये भेजने हैं। तो जैसा कि हमने कल सीखा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई मीडिएटर होता है नहीं, तो ये क्या करता है रिक्वेस्ट करता है। फर्स्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट वाली। ओके, तब क्या होता है, जब ये रिक्वेस्ट करता है ना, तो जैसा कि मैंने कल बताया कि माइनिंग होती है, मैंने रिक्वेस्ट किया तो मेरी एक रिक्वेस्ट के लिए, मेरे ट्रांजेक्शन के लिए अलग से एक ब्लॉक बनेगा, एक अलग से एक ब्लॉक बनेगा। अब वो ब्लॉक कौन बनाता है, हम जैसे लोग ही बनाते हैं माइनर। और जब हम माइनिंग करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, तो हमें रिवार्ड्स में बिटकॉइन मिलते हैं। ओके, समझ गए। ये कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, हम जैसे ही पर्सन है, इनको मैंने नाम दिया नोड 1, नोड 2, नोड 3। ये कैसे, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, P2P नेटवर्क। इस प्रोसेस को बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इनिशिएट करते हैं, ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ये चेक करते हैं कि रिक्वेस्ट जो बंदा चाह रहा है पैसे भेजना, ये वैलिड है या नहीं। ये मेरी डिटेल्स निकालेंगे, मेरी अमाउंट देखेंगे, कितने अमाउंट करना चाह रहा है, या जो भी मेरी सारी चीज़ों को चेक करेंगे कि मैं वैलिड हूँ या नहीं। ये सब चेक करने के बाद ये मुझे एक ब्लॉक क्रिएट करके देंगे। ठीक है, ब्लॉक क्रिएट करके देंगे। ये ब्लॉक क्रिएट करने के बाद ब्लॉक को चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ब्लॉक बनाने के बाद ये ब्लॉक को अप्रूव कर देंगे, आगे पास कर देंगे। आगे पास करने से फ़ायदा क्या होगा, ये मेरे ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर देगा। जब ब्लॉक बन जाता है, ब्लॉक जब अप्रूव हो जाता है, तो एक अलग से, सिर्फ ये मेरा अलग से ही ब्लॉक बनेगा। अगर मैं 100 रुपये सेंड कर रहा हूँ तो ये 100 रुपये का एक ब्लॉक बनेगा। आगे मेरी बात समझ में, ये 100 रुपये का एक ब्लॉक बनेगा और मेरा ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाएगा, मेरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि एक डिजिटल लेजर क्रिएट होता है, ये ब्लॉक उन हज़ारों ब्लॉक में जाके ऐड हो जाएगा। सपोज़ ये मेरा ब्लॉक यहाँ जाके यहाँ एक अलग से एक ब्लॉक और बन गया। ठीक है, ये मेरा बी वाला ब्लॉक, ये जो बी वाला ब्लॉक है ये बन जाता है, और ये छोटे छोटे बहुत सारे ब्लॉक हैं ये और बड़े वाले ब्लॉक्स में जाके ऐड हो जाते हैं। ये एक जाके चेन क्रिएट कर लेते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, सबके सब हर ब्लॉक्स में अलग अलग ट्रांजेक्शन रहते हैं। इतना ही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, और कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज होने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से बताया है, बंदा 100 रुपये के लिए रिक्वेस्ट करेगा, हम जैसे लोग वो 100 रुपये ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग से वो माइनिंग करेंगे, एक ट्रांजेक्शन, एक लेजर बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, उसको एक ब्लॉक क्रिएट करके देंगे, ये ब्लॉक यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा। अब हम सोचते हैं कि यार ये ब्लॉक क्रिएट करने के फ़ायदे क्यों हैं। ये जब ब्लॉक क्रिएट होता है ना, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सिक्योरिटी रहती है, हमारे पास परमानेंट एक रिकॉर्ड हो जाता है। अगर इस बंदे से कोई गलती हो गई, ये बोलेगा कि मुझे 100 नहीं, मुझे 200 रुपये सेंड करने दें, सीरियसली, ये एक बार रिक्वेस्ट कर देता है ना, तो रिक्वेस्ट को वो कैंसिल नहीं कर पाएगा। मतलब वो 100 रुपये तो उसका अलग से बनेगा ही, उसके अलावा अगर उसको 100 रुपये और सेंड करने हैं, 200 रुपये भी सेंड करने हैं, तो उसके लिए अलग से ब्लॉक और बनेगा 200 रुपये का। हर चीज़ रिकॉर्ड रहती है इसके अंदर। तभी वोटिंग सिस्टम के अंदर आप एक बार वोट कर दोगे तो आपका वोट हो जाएगा और वो कहीं नहीं जाएगा, उसमें कहीं भी चीटिंग हो भी नहीं सकती। अलग से चेन बनेगा, अलग से चेन बनने के बाद आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, अगर आप इसको अच्छे से समझो तो। आई थिंक आपको इस वीडियो में कहीं कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अब क्या होता है कि ये जो लोग हैं ना, इंडिविजुअल कंप्यूटर, इनके पास पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया, इनको हम ये भी कह सकते हैं, ये होते हैं माइनर, ये माइनर होते हैं। ओके, तो इनके पास रिक्वेस्ट आती है, ये माइन करते हैं, आगे एक ब्लॉक बनाते हैं हमारे लिए, खुदाई करते हैं, एक माइन बनाते हैं। तो जब ये बंदे लोग माइन बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये ब्लॉक बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इनको अवार्ड में
बिटकॉइन मिलता है, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ब्लॉक बना रहा है, उस ब्लॉक की कैपेसिटी कितनी है। बड़ा ब्लॉक बनाएंगे तो उसको ज़्यादा बिटकॉइन मिलेंगे, कम बनाएंगे तो उसको मे बी कम क्वांटिटी मिलेगा, कम से कुछ भी हो सकता है, 0.00000, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन आपका बन के तैयार हो जाएगा, मतलब आपको रिवार्ड्स मिल जाएगा, बिटकॉइन मिलते हैं, कुछ और भी कुछ रिवार्ड्स होते होंगे वो मिलते हैं, ये ब्लॉकचेन बन जाती है। एक कभी कभी क्या होता है कि जब ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ये मिलकर एक बड़ा ब्लॉक बनाते हैं, ये जब कंप्लीट हो जाते हैं तब माइनर को एक बड़ा ब्लॉक और बनाना पड़ेगा इन छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को उसमें ऐड करने के लिए। और हर ट्रांजेक्शन की उसकी एक आईडी होती है, उसकी आईडी होती है, चाहे वो कुछ भी हो उस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसकी हर की आईडी होती है और हर बार वो आईडी अलग होती है। ओके, मेरी बात, मतलब हर चीज़ इसके अंदर रिकॉर्ड रहती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कन्फ्यूज़न है आपको, कहीं भी ज़रूरत नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे होते हैं, हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में और भी बात करेंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर दी है। अब सबसे बड़ी बात ये कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की फ़ायदे क्या हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है? डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि कोई एक इंस्टीट्यूट, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक कंपनी या कोई एक बंदा या कोई पर्सन जो भी, कोई किसी भी करेंसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, एक सेंट्रलाइज नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है, अथॉरिटेरियट नहीं है वो, मतलब सबके पास अपना अपना पावर है। मेरी करेंसी किसी बैंक से इनिशिएटेड नहीं है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं अपनी ट्रांजेक्शन खुद ही करूँगा। ओके, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे कौनस भी है, नुकसान भी है, वो हम बाद वाली आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इनकेस अगर हम बात की जाए फ्यूचर की, ओके, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर है। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में और पढ़ें, आप खुद जाएं गूगल पे सर्च करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी अपना रखा है, सीरियसली अमेजन ने अपना रखा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, सारी उसकी जो ट्रेसिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की रिकॉर्ड भी होती है, यहाँ तक कि वॉलमार्ट ने भी इसको अपना रखा है। तो जब अमेजन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना रखा है तो आई थिंक ये फ्यूचर है, मतलब इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। लाइक काफ़ी लोग कहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्रॉड है, बिटकॉइन फ्रॉड है, लोगों बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कभी भी जो करंट टेक्नोलॉजी को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, बट आई से दैट ये रिप्लेस करने वाली है और ये कर ही रही है वैसे भी। तो दोस्तों आई थिंक इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।